जयपुराइट्स और पर्यटकों की पहली पसंद बन चुकी जयपुर चौपाटी की पहली वर्षगांठ यादगार और शानदार रही। आकर्षक लाइटिंग और सजावट के बीच कई कार्यक्रमों ने चौपाटियों की पहली वर्षगांठ को यादगार बना दिया। पेश है इस पर हमारी खास रिपोर्ट। हाउसिंग बोर्ड के मानसरोवर और प्रतापनगर चौपाटी में पहली वर्षगांठ की शाम बहुत शानदार रही। चौपाटियों का एक साल पूरा होने के मौके पर दोनों जगह आकर्षक लाइटिंग और सजावट की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लाइव बैंड पर अलग अलग तरह की प्रस्तुतियों ने लोगों का दिल जीत लिया। पहली वर्षगांठ पूरी होने के मौके पर हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा की पहल पर सभी दुकानदारों ने फूड आइटम्स पर 20% की छूट भी दी। चौपाटी पहुंचे लोगों ने माहौल की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे तो हर रोज चौपाटी आना खास अनुभव होता है, लेकिन वर्षगांठ के मौके पर यहां आना बहुत अच्छा लग रहा है। हाउसिंग बोर्ड की ओर से वर्षगांठ के मौके पर राजस्थानी थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जो लोगों को बहुत पसंद आया। लोगों ने बड़ी संख्या में कलाकारों के साथ डांस किया और तस्वीरें क्लिक कराई। प्रतापनगर चौपाटी में दुकानदारों की ओर से आकर्षक फ्लावर और लाइटिंग डेकोरेशन भी किया गया, तो वहीं रेडिक स्कूल के बच्चों की ओर से भी आकर्षक प्रस्तुति दी गई। जयपुर चौपाटी की वर्षगांठ पर वीकेंड का भी संयोग रहा। शनिवार होने के चलते दोनों चौपाटी में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वर्षगांठ के दिन भी दोनों चौपाटी में 5000 से ज्यादा लोग पहुंचे। देर शाम तक चौपाटियों में लोगों के आने का दौर चलता रहा। लोकार्पण के बाद से ही हाउसिंग बोर्ड की दोनों चौपाटी सिर्फ जयपुर के लोगों की नहीं बल्कि प्रदेश, देश और विदेश से आने वाले लोगों की पसंदीदा जगह बनी हुई है। सिर्फ एक साल में ही मानसरोवर चौपाटी में 8,66,000 तो वहीं प्रतापनगर चौपाटी में 8,22,000 लोग पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा रहा सर। ये हमारा जयपुर चौपाटी है, इसमें 28 दुकानें हैं, हर तरीके के व्यंजन है। ऐसा कोई व्यंजन नहीं जो यहाँ लोगों को नहीं मिलता है। हाउसिंग बोर्ड पवन अरोड़ा सर की इस प्रताप नगर को ये बहुत बड़ी देन है। अच्छा लग रहा है और मेरा घर भी यहीं नियर में ही है, तो यहाँ माहौल बहुत अच्छा रहता है लोगों के बीच में, और जो खाना वगैरह है वो भी बहुत अच्छा है यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, फैमिली के साथ आराम से यहाँ पे आप शाम के टाइम पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं और फैसिलिटी अच्छी डेवलप की है। ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे आके डिलीशियस चीज़ें यहाँ पे सब खाने पीने की, और खाने आते हैं तब बहुत मजा आता है हमको, जब भी आते हैं तब। एक साल पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब मानसरोवर और हाउसिंग बोर्ड चौपाटी का लोकार्पण किया था तो उन्होंने तारीफ करते हुए उम्मीद जताई थी कि दोनों जगह लोगों को बहुत रास आएगी। एक साल के बाद ये कहा जा सकता है कि चौपाटी सीएम गहलोत की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरी है, क्योंकि सिर्फ एक साल में ही जयपुर चौपाटी हर वर्ग के लोगों की पसंदीदा जगह बन चुकी है। आलम ये है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ जन्मदिन पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, किटी पार्टी जैसे आयोजन कर रहे हैं। जयपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश, देश और विश्व भर से आने वाले पर्यटकों को भी मानसरोवर की चौपाटी काफी रास आ रही है। दोनों चौपाटियों में अच्छी संख्या में पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में फूड ब्लॉगर्स और यूट्यूबर भी चौपाटियों के कंसेप्ट और फूड क्वालिटी की तारीफ कर चुके हैं। चौपाटी में अच्छे खाने के साथ यहाँ लाइव बैंड लोगों को बहुत रास आ रहा है। आमतौर पर सरकारी संस्थाओं की ओर से संचालित इस तरह की जगहों पर साफ सफाई की शिकायतें रहती है, लेकिन जयपुर चौपाटी में संचालन का एक साल होने के बाद भी सफाई व्यवस्था टॉप क्लास की है। मानसरोवर और प्रतापनगर चौपाटी लोगों को रास आ रही है क्योंकि दोनों चौपाटी में खाना बहुत टेस्टी और अच्छी क्वालिटी का है। खाने की दरें भी रीजनेबल है। चौपाटियों का निर्माण इस शैली में कराया गया कि सिर्फ खाने की जगह से बढ़कर टूरिस्ट प्लेस जैसी अनुभूति करा रही है। चौपाटियों में लोगों की मूलभूत सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जाता है। पार्किंग, वॉशरूम और साफ सफाई अव्वल दर्जे की है।
चौपाटियों में लोग फील गुड कर सके, इसके लिए सेल्फी पॉइंट्स, फाउंटेन समेत कई सुविधाएं विकसित की गई। फाइव स्टार होटल की तर्ज पर लाइव बैंड की परफॉर्मेंस दी जा रही है, जो सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि देश भर में पहला प्रयोग है। प्रताप नगर और मानसरोवर चौपाटी हाउसिंग बोर्ड के जयपुर वासियों को ऐसी सौगात है जो आने वाले बहुत समय तक सुखद अनुभूति का एहसास कराती रहेगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।